नाम दाऊद है, हमारा उम्र 10 साल है, हम लोग कागज मागज उठाता है। मुझको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, हमको कचरा भी उठाने का शौक नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम बलोच है, मुझे शुगर थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था। टांग में एक ज़ख़म हो गया था जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए थे, वो सारे मेरे महीने 1.5 महीने ख़त्म हो गए थे। ये मुझे किसी को बीमारी लग जाता है, ये बीमारी के पैसे किसी के पास नहीं होता है। मजदूरों का ये हाल हो रहा है, सारा मजदूरों को रो रहे। सुबह 6 बजे आते थे, रात को 10 बजे तक इधर खड़ा रहते, किसी को 1 रुपया मजदूरी नहीं मिल जाता है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मेरी उम्र 50 साल है, मैं फूलों का काम करता हूँ। सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ, तो इसी से गुजारा वगैरह होता है। इंडस हॉस्पिटल 150 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि 2007 में शुरू हुआ था, और इस विजन के साथ शुरू हुआ था कि यहाँ पर 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर क्वालिटी केयर और फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो पेपरलेस है और कैशलेस है, और आज तक तकरीबन हम 2.3 मिलियन मरीजों को इलाज फराहम कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। किसी एक मरीज को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं किया। हम पूरे पाकिस्तान में 8 अस्पताल चला रहे हैं, और मैं इस मौके पर टेलीमार्ट वालों को शुक्रगुजार हूँ कि वो एक ऐसी कंपेन लेके आए जो कि लोगों को मोटिवेट करे और लोगों को भी मोटिवेट करे। टेलीमार्ट की इस कंपेन के तवसुस से तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि दामे दरमे सुखने इस कंपेन में शामिल हों। कराची शहर में हम फिक्सिट के नाम से एक कंपेन रन कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस की मुहिम है। ये सिलसिला हमने गटर के ढक्कन से शुरू किया, मैन होल कैप्स हमने फिक्स किए जाके, हमें एक ट्रैक्टर डोनेट हुआ, हमने कचरा खुद उठाना शुरू किया, हमने अभी रिसेंटली पानी की जहाँ जहाँ किल्लत थी उस पर काम किया, हमने वहाँ जाकर आरओ प्लांट लगाए, ऑर्फनेज का हमने एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, तो वहाँ हम इंशाल्लाह कोई 300 बच्चों का, उनकी तालीम सेहत ईच एंड एवरीथिंग का हम बंदोबस्त करें। हम टेलीमार्ट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं। आप टेलीमार्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी मदद करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी में रिलीफ ला सकें। ईदी फाउंडेशन एक फलाही तंजीम है जो कि ईदी साहब ने 1950s के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश की थी, और इसका काम जो है वो आम आवाम की खिदमत करना है, उनको सर्व करना है, और सर्विसेज जो है वो तकरीबन 17-18 के करीब जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात हैं। 1950s में जब ईदी साहब ने पहली एम्बुलेंस ख़रीदी और उसको चलाना शुरू किया, तकरीबन 25 साल तक वो खुद एक एम्बुलेंस को चलाते रहे, दिन हो रात हो। आज उस पहली एम्बुलेंस से जो है वो लेके आज जो है वो हमारी 1500 से ज़ायद एम्बुलेंसेज हैं, पाकिस्तान के तकरीबन हर ही शहर में मौजूद हैं। ईदी साहब जो है वो उन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और कोशिश होती थी कि दुनिया का कोई ऐसा इलाका जो है वो इनसे नज़रअंदाज ना हो, जहाँ पे इंसान बसते हों और उनकी मदद की जा सकती है। ईदी फाउंडेशन जो है वो आवामी चंदे से चलती है। टेलीमार्ट ने भी एक मुहिम का आगाज़ किया है हमारा साथ देने के लिए, हम उसके साथ हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जो है वो हमारे मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। इनके तवसुत से मैं पाकिस्तानियों को अपील करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें। सैलानी वेलफेयर 1999 में हमारे वजूद में आया, और आज 2016 में कमोबेश 125 इसकी ब्रांचेज हैं। सैलानी वेलफेयर के 63 शोबाजात हैं, और इसके बुनियादी 4 शोबे हैं जिसकी जेल में 63 शोबे बनते हैं: खुराक, तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर। सैलानी का सबसे बड़ा मिशन यह है कि लोगों को जो है वो रोज़गार पे लगाया जाए। कमोबेश रोज़ाना 63,000 अफराद सैलानी के दस्तरखान से फैज़याब हो रहे हैं। 50 वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबाजात हैं, 4,000 के आसपास जो है वो ऐसे स्कूल हैं कराची में जिनमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। साल में तकरीबन सैलानी वेलफेयर 6,000 बच्चियों की शादी करवा रहा है। मैं दिल की गहराई के साथ इस शोबे टेलीमार्ट के लोगों का मशकूर ममनून हूं, और मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम
اہل نصیب لوگ، اہل خیر لوگوں سے ملتمس ہوں، ان کے تعاون سے پھر اب ہماری مدد کریں۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 25 سالوں سے ضرورت مندوں کی خدمت کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر تین شعبے ہمارے بہت ہی فیور ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہمارا جو شعبہ ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اور غریب بچیوں کی شادی۔ ملک کے اندر بہت سارے مسائل، سیلاب، زلزلہ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اندرون سندھ کراچی کے اندر پانی کا جس قسم کا بحران ہے، ہم پانی کے سلسلے میں لوگوں کے تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ ہم تقریباً 5000 افراد کو روزانہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تقریباً 5000 بچیوں کی شادی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ ٹیلی مارٹ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا ایک بہت اہم کام ہے۔ ایسے اداروں کو یکجا کر رہے ہیں، ان کے کاموں کو سامنے لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ لوگ فلاحی کام کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ٹیلی مارٹ جو ہے دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی اس کو ضرور ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بدلو پاکستان ٹیلی مارٹ کے ساتھ۔ 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 بدلو پاکستان۔